फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी लोगों का शालू वेज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के लिए मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं, 5K कंप्लीट होने की खुशी में आप लोग केक खाइए। तो सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, सबको दिल से धन्यवाद। आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज हम 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। आगे भी आप लोग इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। तो आज इसी खुशी में हमने बनाया है रेड वेलवेट फाउंडेंट केक 5K का, वो भी बिना फाउंडेंट डो के। और अगर आपको फाउंडेंट रेड वेलवेट केक की रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए इस केक को बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले हम रेड वेलवेट केक का स्पॉन्ज ले लेंगे, जिसे हमने प्रीमिक्स का यूज करके बनाया है, जिसका फुल वीडियो पिछले केक की रेसिपी में हमने बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसे हम सबसे पहले लेयरिंग कट कर लेंगे। इसके लेयरिंग कट करने के लिए हमने धागे का यूज किया है। इसे परफेक्ट हम लेयर को कट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना जालीदार स्पॉन्ज बन के रेडी हुआ है। और इसी तरह धागे का यूज करके हम इस स्पॉन्ज के 3 लेयर कट कर लेते हैं। और फर्स्ट लेयर को हम पानी से अच्छी तरह से सोक करेंगे। अब इसके बाद व्हिपिंग क्रीम का एक लेयर लगा देंगे। हम इस केक को बनाएंगे बहुत ही कम क्रीम के साथ। केक थोड़ा कम मीठा हो और टेस्ट भी उसका लाजवाब आए, यही तो फर्क होता है घर के केक में और मार्केट के केक में। और इसी तरह तीनों लेयर को अच्छी तरह पानी से सोक करेंगे और क्रीम से अच्छी तरह से कवर करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं केक के चारों तरफ क्रीम अच्छी तरह से लग गया है। अब इसे हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक यूट्यूब का हम लोगो भी बना लेते हैं स्पॉन्ज से ही। इसे बनाने के लिए रेक्टेंगल शेप के स्पॉन्ज को हाफ कट करके ले लिया है। इसके बाद हाफ स्पॉन्ज को हमने 2 लेयर में डिवाइड कर दिया और फर्स्ट लेयर को पानी से अच्छी तरह से सोक करेंगे और क्रीम से अच्छी तरह कोट करते जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह दूसरे लेयर को भी अच्छी तरह पानी से सोक करके क्रीम से कोट कर देंगे। और उसे चारों तरफ से कोट करने के बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। इस लोगों को रेड बनाने के लिए थोड़े से व्हिपिंग क्रीम लेंगे, उसमें हम रेड फूड कलर यूज करेंगे। ये पेपिलोन का जेल फूड कलर है जो कि केक के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं जेल फूड कलर का यूज करके क्रीम का कलर कितना खूबसूरत आ गया है। अब इस रेड व्हिपिंग क्रीम को रेक्टेंगल केक के चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे। आप देख सकते हैं यूट्यूब का लोगो बनने के लिए केक रेडी है। अब इसे हम केक के बेस पे रख लेते हैं बहुत ही सावधानी के साथ। अब इसके आगे हम फ्लावर शेप का जो केक रेडी किया हुआ है उसे भी रख देंगे। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे जिससे अच्छी तरह से सेट हो जाए। तब तक हम फाउंडेंट डो बना लेते हैं। उसके लिए हमने ये छोटा सा टुकड़ा स्पॉन्ज का लिया है। इसे अच्छी तरह मसलते हुए फाउंडेंट डो बना लेंगे। जब ये बिल्कुल चिकना डो बन जाए तब इसमें हम रिफाइंड ऑयल लगाते हुए इसे पतला बेल लेंगे। इसके बाद हम फाइव और के का शेप ले लेंगे जो हमें अपने बेटे के टॉय से मिला। इसे प्रेस करते हुए कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं केक के स्पॉन्ज से 5K का कितना परफेक्ट शेप आया है। और उसी फाउंडेंट से ही हमने कुछ स्ट्रिप्स और स्टार और थोड़े छोटे छोटे डॉट भी बना लिए हैं। फाउंडेंट के पतले पतले स्ट्रिप्स को हमने केक के डाउन साइड लगा दिया है। केक के टॉप साइड भी कुछ इस तरह से डेकोरेट कर दिया है जो कि देखने में ही बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब रेक्टेंगल केक के ऊपर बीचों बीच हम ट्रायंगल शेप में व्हाइट क्रीम से डिजाइन बना देंगे, तभी तो लगेगा ये यूट्यूब का लोगो। और ये देखिए यूट्यूब का लोगो भी बनकर रेडी हो गया है। लास्ट में केक के ऊपर थोड़े से सिल्वर बॉल को स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखा आपने बिना फाउंडेंट डो के फाउंडेंट वाला रेड वेलवेट केक बनाना कितना ज्यादा आसान है। तो इसे आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में लिखना ना भूलिए। और ये स्टार्ट हो गया हमारा सेलिब्रेशन। केक इतना टेस्टी बना था कि यश से रहा नहीं गया और वो पहले ही खा लिए। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।